हाय स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज फाइलम निमेटोड्स, जिसमें निमेटोड्स आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस फाइलम में बेसिकली हम राउंड वार्म को इंक्लूड करते हैं, विच अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आइए निमेटोड्स के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो निमेटोड्स आर फाउंड इन एवरीवेयर, दे मे बी फ्री लिविंग, मतलब एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं और ठीक है ना मिट्टी में भी पाए जाते हैं। आर पैरासाइट इन प्लांट इन एनिमल, और ये एक पैरासाइट की भी तरह प्लांट एनिमल में पाए जाते हैं। दे हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी विथ टेपरिंग एंड विदाउट सेगमेंटेशन। तो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है विथ टेपरिंग एंड विदाउट सेगमेंटेशन, विदाउट सेगमेंटेशन। तो ये है आपका सिमेट्री। सिमेट्री क्या है आपकी, बायलेटरल है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर्गन सिस्टम है, आर्गन सिस्टम लेवल, एंड हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर को लेकर के है कि जर्म लेयर इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें आर्गन सिस्टम पाया जाता है, बेसिकली इसमें आर्गन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है ना, आर्गन सिस्टम हम इसको बोलते हैं। एंटीरियर इंड डज नॉट शो डिस्टिंग्स हेड। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, बॉडी वॉल जो है वो क्यूटिकल से, क्यूटिकल की बनी होती है। नॉन लिविंग, थिक एंड रेजिस्टेंस टू डाइजेस्टिव इंजाइम ऑफ होस्ट। नॉन लिविंग, थिक एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव इंजाइम ऑफ होस्ट। क्यूटिकल, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल। एपिडर्मिस, एक कंटिन्यूस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म हैविंग स्कैटर्ड न्यूक्लियाई। मस्कल लेयर, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मस्कल फाइबर आर प्रेजेंट। तो ये इसमें ये चीज़ें हैं। तो ये बॉडी वॉल को लेकर के है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, म्यूजिकल लेयर, मस्कल लेयर, आगे हम लोग इसके स्केल्टन को लेकर के स्टडी करते हैं। स्केल्टन इज एब्सेंट बट द फ्लूइड प्रेशर इन द सूडो कोलम मेंटेन द बॉडी शेप। जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो बॉडी शेप को मेंटेन करता है, इसमें स्केल्टन नहीं पाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्केल्टन, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली हाइड्रोस्केल्टन बोलते हैं। आपको अभी मैं इसमें ये दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप देखो ये है मेल एंड दिस इज़ द, ये आपका देखो ए पार्ट, ए जो है मेल है एंड दिस बी वन इज़ द फीमेल। तो आप देखो इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप है और ये टेपरिंग जो है जिसको हम लोग बोलते थे कि टेपरिंग एंड है विदाउट सेगमेंटेशन। तो ये है तुम्हारा, और माउथ बाउंडेड बाय लिप्स। तो ये माउथ बाउंडेड बाय लिप्स, एक्सक्रेटरी पोर्स भी पाए जाते हैं यहाँ पर इसमें। टेल भी है, देखो ये टेल आपका है, टेल है ठीक है ना, एनस है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं बेटा। तो स्केल्टन इसमें देखो आप, स्केल्टन अब्सेंट होता है, ये एक्चुअली हाइड्रोस्केल्टन है और फ्लूइड प्रेशर के वजह से सारी चीज़ें हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, डाइजेस्टिव ट्रैक इज कम्प्लीट डिफ्रेंशिएटेड इनटू माउथ फेरिंग्स इंटेस्टाइन एंड एनस। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो माउथ फेरिंग्स इंटेस्टाइन एनस में डिवाइडेड है। फेरिंग्स मस्कुलर, फेरिंग्स इसका मस्कुलर होता है, वेल डेवलप्ड एंड इट इज़ यूज टू सक द लिक्विड फूड, इट इज़ यूज टू सक द लिक्विड फूड। इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर, जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, नॉन मस्कुलर होती है। तो ये जो कहानी है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक को लेकर के है कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट होता है एंड डिफरेंशिएटेड इनटू माउथ फेरिंग्स इंटेस्टाइन एनस। तो इन सब सारी चीज़ों में ये बटा हुआ है। रिस्पायरेशन इज थ्रू द बॉडी सरफेस बाय द डिफ्यूजन। रिस्पायरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है ठीक है ना, थ्रू द बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। तो जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है बाय डिफ्यूजन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एस शेप्ड
एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो एच शेप्ड होता है और इसमें एक्सक्रीटरी कैनाल होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन फ्रेडिया प्रोटोन फेरिडा, ठीक है ना, विच रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू बॉडी वेस्ट को निकालते हैं। एंड दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, ठीक है, रेंटी सेल। तो एक्सक्रीटरी मैटर इसमें क्या होता है, अमोनिया होता है। तो ये भी याद करने वाली बात है कि अगर हम फाइलम नेमेटोड्स की बात करें तो इसमें भी अमोनिया होता है। आप देखो उसमें क्या कहते हैं, प्लेटीहेलमिंथस में भी अमोनिया था, एक्सक्रीटरी जो मैटर था, ठीक है। और इसमें एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू जो है बॉडी वेस्ट निकाले जाते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेकर के था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नर्वस सिस्टम। इट कंप्राइजेज ए नर्व रिंग, ब्रेन, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड, ब्रेन रिंग एंड सेंस ऑर्गन लाइक पेपीलिया एंड एम्फीबिड्स आर प्रेजेंट ऑन द लिप, ठीक है ना। वाइल प्लाज्मिड आर फाउंड ऑन द टेल, प्लाज्मिड जो कहाँ पाया जाता है, टेल में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम को लेकर के है। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम इज डेवलप्ड एंड सेक्स आर सेपरेटेड। ठीक है ना। जो इसमें रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो निमेटोड्स में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वेल डेवलप्ड है एंड सेक्स आर सेपरेट। सेक्स जो होता है वो सेपरेट है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। मींस जो मेल है वो स्मॉलर देन फीमेल होता है। कर्व फ्रॉम इट काउडल इंड एंड मेल हैज़ पाइनियल सिटे ऑफ फॉर कोपुलेशन। जेनाइटल ट्रैक ज्वाइन द डाइजेस्टिव ट्रैक टू फॉर्म क्लोका, ठीक है। फीमेल इज लार्जर देन मेल, फीमेल जो होती है वो मेल से क्या होती है, लार्जर होती है। स्टेट एट बोथ इन, और ये दोनों इन पर क्या होती है, स्टेट होती है। जेनाइटल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक ओपन इंडिपेंडेंटली। फीमेल लेज ए लार्ज नंबर ऑफ फर्टिलाइज एग, और फीमेल जो है लार्ज नंबर ऑफ फर्टिलाइज एग देती है। तो ये सारी कहानी है फीमेल को लेकर के। फीमेल इज लार्जर देन द मेल एंड स्टेट एट बोथ इन, दोनों इन पर स्टेट भी होती है। एंड जेनाइटल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक ओपन इंडिपेंडेंटली, तो इसमें जो जेनाइटल ट्रैक होता है वो इंडिपेंडेंटली ओपन होता है, ठीक है ना। और लार्ज नंबर ऑफ फर्टिलाइज एग भी पाए जाते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कहने का मतलब ये है कि लार्वा स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होता है। तो जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी तो उस ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब ये सारे एग्जांपल हैं, अगर आप एग्जांपल को ध्यान से देखें, एस्केरीज है, एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वार्म कहते हैं। देखो दिस इज़ राउंड वार्म, दिस इज़ हुक वार्म, दिस इज़ फाइलेरियल वार्म जिसे फाइलेरिया होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप देखो फाइलेरियल वार्म भी है। ये आपका जो है पिन वार्म कहलाता है, ये विप वार्म कहलाता है, ये फ्री लिविंग निमेटोड्स कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, और ये आपको बताया भी गया, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फाइलम को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए इतना ही टॉपिक।